सर ये कहानी ऐसे पेश करनी है, ऐसे प्रस्तुत करनी है दैट यूथ विल सी इट एज प्लॉजिबल, ओके, कि हम गणत नहीं है। अगर हम कहें कि देखिए राम सेतु में कोई कह दे कि देखिए ये पत्थर ये फ्लोट करते थे क्योंकि लॉर्ड राम वाज रिटन ऑन इट, मोस्ट ऑफ द यूथ वर्ल्ड ऑफ टुडे विल से अरे यार ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। अनुपम जी मैं रामेश्वरम गया, मैंने वहां पे अध्ययन किया है एंड इनफैक्ट आई वेंट विद अ जियोलॉजिस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट्री विद डिस्कवरी टीवी टू रामेश्वरम। आप मानेंगे नहीं, ही शोड मी रॉक्स आउट देयर, ओके, एंड वी शोन इट इन आवर डॉक्यूमेंट्री, दिस हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड ऑन डिस्कवरी टीवी। ही शोड अस रॉक्स आउट देयर व्हिच वर मेड ऑफ कोरल, जो कोरल जो होते हैं ना जो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे भी, now coral are actually living creatures. What many don't know is that when they die they actually become rocks, but they are very light rocks, okay, right. But they are so strong that you can build structures with it, okay. Wow. So this geologist showed me a church, a Portuguese era church which has been built using the rocks of coral, but it's so light, itna bada rock bahut vishal maine utha liya aise. And we shown it in the, oh, matlab there are, and those rocks are found only in that region, Anupam ji. Okay, so I've used this in my book. So there is a scientific explanation for how the Ram Setu was built.